अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। हमारी इस रेसिपी का नाम है पोटैटो पेनकेक्स। जी हाँ, पेनकेक नाम ही बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो बहुत शौक से इस डिश को इंजॉय करते हैं। मैं जो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पहले पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर वो सारी माएँ जो अपने बच्चों को रोज़ रोज़ प्लेन अंडा खिला खिला के तंग आ चुकी हैं और चाहती हैं कि कुछ नए तरीके से कोई नई चीज़ बना के अपने बच्चों को दें, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक की है। जी हाँ बिल्कुल, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो बार बार उसकी फरमाइश आपसे करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज हम ट्राई करने जा रहे हैं जिसे आप ना सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच बल्कि डिनर में भी अगर आपके बच्चे चाहते हैं तो बना के उनको दे सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मेरे किचन में और यहाँ हम तैयारी करते हैं अपने रेसिपी की। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 अदद आलू, क्योंकि आप देख लें क्वांटिटी आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपने, मुझे 6 बच्चों के लिए बनाना था ये ब्रेकफास्ट तो मैंने 2 आलू लिए हैं। उसके बाद पहले हम उनको पील ऑफ करेंगे, पील ऑफ करने के बाद हम फिर ग्रेटर लेंगे। ये ग्रेटर आजकल मेरे ख्याल में हर घर में मिलता है, तो सबसे पहले हम ये जो आलू है इनको हम ग्रेट करेंगे। करने के बाद कुछ इस तरह से इनकी शेप बन जाती है और उसमें जो एक्सेस वाटर होता है आलू में उसको हम थोड़ा सा निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद सारा ये ड्राई फॉर्म में आ जाते हैं और एक दरमियानी प्याज लेके उसको हम मैनुअल चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन चॉपर है, यकीनन आप सबके पास होगा ये, इसमें बहुत ही फाइनली चॉप होती हैं चीज़ें। तो जितना हमें चाहिए था उस हिसाब से ये इसने बिल्कुल परफेक्टली इसकी चॉपिंग हो गई है। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करें काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और हसबे जायका नमक और 3 अदद अंडे हम इसमें शामिल करेंगे। दूसरी तरफ हमने लिया है एक नॉन स्टिक पेन, उसमें डाला है हमने 1.5 खाने के चम्मच ऑयल और उस ऑयल को हमने किया है गरम हल्का, वो भी ज़्यादा गरम नहीं करना क्योंकि इससे फिर आपका पेनकेक जो है वो जल्दी नीचे से पक के फिर जल जाएगा। तो उसको हल्की आंच पे रख के इवनली स्प्रेड करें उस मिक्सचर को। करने के बाद ऊपर से ढक्कन रख दें और फ्लेम आप देखें बहुत ही लो रखनी है और लो फ्लेम पर आप इसको 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। पकाने के बाद ये जी हमने इसको फ्लिप किया है और इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। डालने के बाद इसको दोबारा से हम ढक्कन लगा के पकने के लिए 5 से 6 मिनट रख देंगे। ये देखें जी ज़बरदस्त कलर आया है दोनों तरफ से गोल्डन। तो ये आपका जो है ना ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यम्मी बनता है। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट तो इसका बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप चपली कबाब खा रहे हो। आप ट्राई करें, ट्राई करके ज़रूर मुझे बताएँ। तो यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया है फ्राई पैन पर ही क्योंकि 6 बच्चे थे, 6 प्लेटें निकाली हैं, 2 छोटे बच्चों के लिए बाकी बड़ों के लिए। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो वीडियो है ये पिछले दिनों की थी, असल में मुझसे मिस हो गई थी तो आज मेरी गैलरी में मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आज अपलोड कर देती हूँ। वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत।
भी बनाएं इस रेसिपी को और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, और खिलाने के बाद मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स बताएं कि किस तरह से आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा इस डिश को बनाने का और खिलाने का। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।